जैन दोस्तों मित्रों, आज हम आपको रवाड़ी मशीन के बारे में बताएंगे। हालांकि रवाड़ी मशीन आपने देखी है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि जो रवा बनते हैं वो रवा मशीन में जाने से पहले तार के छोटे छोटे टुकड़े काटने पड़ते हैं। तो वो प्रोसीजर क्या है? तार के टुकड़े आप टांका काटते हो, तार काटते हो, तो एक ऐसी मशीन दिखाऊंगा जो दोनों चीज में काम आएगी, टांका और तार। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूं मैं रवाड़ी मशीन का। अभी निकालता हूं मैं यहां से रवाड़ी। तो देखिए अभी रवा पता नहीं है मुझे किधर है, पड़े होंगे कहीं। ये देखिए यहां पे दो रवे मिल चुके हैं मुझे, ये हैं भाई रवे। और जो रवाड़ी मशीन होती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ये हमारी रवाड़ी मशीन है। और इसमें आप कई प्रकार के रवे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आप काट सकते हो। यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ देते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि रवा जो है वो बनता कैसे। भाई सबसे पहले क्या होता है, एक तार होता है। तार आपका किसी भी तरह का हो सकता है, पतले से पतला हो सकता है, मोटे से मोटा हो सकता है, लोहे का, पीतल का, तांबे का, सोने का, चांदी का, किसी का भी हो सकता है। तो तार के पहले ऐसे छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, टुकड़े करने के बाद फिर रवाड़ी मशीन में डालते हैं जब रवा बनता है। तो ये टुकड़े करने की मशीन है, ये एक बहुत ही सिंपल सी छोटी सी मशीन है ये वाली है, थोड़ा सा ही डेमो कराऊंगा, ठीक है। और इससे टुकड़े कैसे करते हैं, किस तरीके से एडजस्टमेंट करना, सब चीज दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाला बटन दबा दो। अगर आपको कुछ चीज वीडियो में समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको यह मशीन खरीदनी है तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रवाड़ी मशीन के बारे में बताते हैं। देखिए ये हमने एक रवाड़ी मशीन तैयार की है, रवाड़ी नहीं सॉरी रवा का कटर। यहां पर क्या है, ये मेरे हाथ में लगा है तार। ये भाई जो तार है वो लोहे का है, आप देख रहे होंगे काला है, लोहे का तार है, न चांदी है न कुछ है। और ये है हमारी रवा कटर मशीन, रवा कटर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होल दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतने जितने ये बड़े होल हैं, इतना मोटा आप इसमें तार लगा सकते हैं, और मोटे से मोटा रवा काटने के लिए करना कुछ नहीं, बस ऐसे इसमें या इसमें, दोनों में से किसी में भी लगा दो। अगर आपको ज़्यादा रवा काटना है तो एक साथ लगा दो दोनों में, इस तरह से दोनों में एक साथ लगाए जाओ। और भाई साहब क्या है, नीचे ये ऐसे लगा रखी है, नई मोटर है भैया, पुरानी नहीं देंगे, एकदम न्यू मोटर दी है। और यहां पर ये पूरा अटैचमेंट कर रखा है। अब मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा कि ये रवा कैसे काटेगी। मेरे साथ है मनीष भाई, और हाँ भाई ये जो मशीन है ये हमारे एक बॉस है राजस्थान में, नाथद्वारा से, देवा भाई। क्या माहिला, देवा भाई ने लिया मशीन। तो देवा भाई को हमारी तरफ से बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस हमसे जुड़ने के लिए। अब आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करेगी। यहाँ से मैं बटन दबा के करता हूँ चालू। अब भाई आप लोग बोलोगे तो हेलीकॉप्टर की तरह आवाज कर रही है भाई, ये हेलीकॉप्टर की तरह इसलिए आवाज कर रही है कि नीचे कुछ इसमें हमने लगाया नहीं है, इस बबलिंग कर रही है इसलिए आवाज हो रही है। अगर इसको किसी में हम फिट कर देंगे ना किसी भी जगह पर तो ये आवाज नहीं करेगी। अब दिखाते हैं थोड़ा सा कटा हुआ रवा। तो मित्रों ये देखिए कितने सुंदर पीस काटे हैं, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा रवा काटा है। चलिए थोड़ा सा अब देख लो भाई साहब, जितनी अच्छी शानदार कटिंग होगी उतना ही अच्छा रवाड़ी बनेगी। तो ये है रवा, ठीक है, जूम आउट कर देते हैं, ये रवा बन गया है। अब दिखाते हैं कि इस रवा मशीन में एडजस्टमेंट कहां से होता है, ये रवा छोटा काटना है, लंबा काटना है, वो कहां से कटेगा। रुको जरा, सबर करो। मोटा तो आप तार दूसरा चेंज करके कर सकते हैं, मोटा पतला तार। तो भाई जो रवा है ये यहाँ पे हमने कार्बाइड की पत्ती दी हुई है मोटी सी, देखिए ये कार्बाइड की पत्ती है पूरी, ये काटती है। तो इसको जो तार को छोटा बड़ा करने के लिए यहां से तार डाला और यहां पे ये कटेगी। तो ये कैसे कटेगी थोड़ा सा दिखाइए। ये जो बोल्ट है ना, इस बोल्ट को अपन ढीला कर देंगे, काहे वो इसको करके दिखाओ, एक बार करके दिखाओ। ये देखिए मनीष भाई इसको कर रहे हैं ढीला, ये बोल्ट खोल दिया यहां से, खोलने के बाद इसको ढीला कर दो। और ढीला करने के बाद इसको अगर आप पीछे ऐसे खींच लोगे, ये देखिए थोड़ा सा दिखाओ, ये देखिए इससे छोटा बड़ा साइज हो जाता है। जितना पीछे खींच लोगे लंबा हो जाएगा रवा, जितना आगे कर दोगे रवा छोटा हो जाएगा। तो ये तो है इसकी छोटा बड़ा करने की काबिलियत। तो अब आप बताइए आपको मशीन कैसी लगी। रही बात
सही बात इसके आवाज करने की, भाई आवाज इसलिए कर रही है, नीचे कुछ है नहीं, जमीन है। अगर इसको कहीं पे लगा दिया जाएगा परमानेंट तो ये आवाज बिल्कुल भी नहीं करेगी, हिलेगी भी नहीं। तो अब आप लोग बताइए हमारी मशीन कैसी लगी। बिल्कुल न्यू मशीन है भाई, इसकी ढलाई में बहुत टाइम लग गया, राजस्थान की ढलाई है, राजस्थान में मशीन जा रही है और न्यू मोटर है क्रम्पटन की। अब अगर आपको भी ये मशीन खरीदनी है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, और रवा मशीन लेनी है रवा मशीन ले सकते हैं, अलग से मशीन लेनी है कटर अलग से ले सकते हैं। और एक चीज और है, अगर हम इसमें थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, यहाँ पर जो पत्ती है इसको अलग टाइप की बना देंगे, और यहाँ पर पत्ती काटने के लिए हम ग्रुप डाल देंगे पत्ती वाला यहाँ पर, तो हम इससे जो पहले पत्रा काटते थे ना, पत्रा बोले तो इस तरह की पत्ती है, तो छोटी थोड़ी सी कम चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी इतनी चौड़ी चौड़ी, तो वो यहाँ पर डाल के हम इससे पत्ती के वो भी कर सकते हैं छोटे छोटे पीस, पान बोलते हैं ना पान काटने वाले वो उस तरह के। तो ये दोनों में ट्विन वन है ये मशीन। अगर आपको मशीन अच्छी लगी हो खरीदना हो तो हमें कॉल करिए, रवाड़ी मशीन लेनी हो तो कॉल करिए, ओनली कटर लेना है तो कॉल करिए, और एक लाइक देवा भाई के नाम पे हमें करते जाइए। अगर आपको भी हमारा काम अच्छा लगे, देवा भाई का अच्छा लगे, देवा भाई ने मशीन खरीदी है तो मशीन खरीदने के नाम पे एक लाइक तो देवा भाई के लिए बनता है। इसी बात के साथ पंखा बंद करना पड़ा है भाई, गर्मी की वजह से पसीना आ गया। थैंक यू, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।